हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2018 की द कल्प्रिट ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें एक आदमी की वाइफ का मर्डर होता है, पर उसके बाद इस आदमी के फ्रेंड पर ही सबका शक जाता है, पर इसकी खुद इन्वेस्टिगेशन ये आदमी करने लग जाता है। इसके बाद इस मूवी में बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं। तो चलिए इस अमेजिंग मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर का जो फ्रेंड है, जिसका नाम होता है मार्क, ये हमें दिखता है। मार्क अपने फ्रेंड जॉन के घर के सामने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स देखता है। अंदर हुआ क्या है ये देखने के लिए जाता है। पुलिस उसे रोकते हैं, पर वो देख लेता है कि जॉन की वाइफ का मर्डर हो चुका है। ये देखकर उसे सदमा लग जाता है। जॉन बाहर ही स्टेयर केस पर रो रहा होता है। इसके बाद डायरेक्टली हमें 6 महीने गुजर गए हैं ये दिखता है, और जॉन अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने लग चुका है। पार्किंग लॉट में एक आदमी का वो वेट कर रहा होता है। ये आदमी जब उसे दिखता है तो उसे वो किडनैप कर लेता है। यहाँ पैरेलल में हमें दिखता है कि मार्क पर शक चला गया था कि जॉन की वाइफ को मार्क ने ही मारा है, इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया था। इसकी आज हीरिंग है। मार्क की वाइफ, जिसका नाम होता है लिंडा, ये आज जॉन का वेट कर रही है, क्योंकि जॉन को लगता है कि मार्क ने ही मर्डर नहीं किया होगा। टेस्टिमनी दे सकता है, इसीलिए उसका वेट करती है। पर हमें पता है कि जॉन ने अभी अभी एक आदमी को किडनैप किया है। लिंडा जॉन को कॉल करने का बहुत ट्राई करती है, पर जॉन का कॉल ही नहीं लगता। तो अपने लॉयर से कहती है, तुम जरा रुको, मैं जल्दी से जॉन के घर जाकर आती हूँ। लॉयर कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करो, हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते टेस्टिमोनी देने के लिए। अगर हमने की तो कुछ ट्रबल हो सकता है, पर ये मानने नहीं वाली। ये डायरेक्टली जॉन के घर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। हमें फिर से जॉन दिखता है, और जिस आदमी को उसने किडनैप किया था उसके हाथ पैर वो बांध देता है। आदमी कहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। पर जॉन ये सब मानने वाला नहीं। जॉन कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उसे चॉइस देता है कि तुम्हें वैसे भी आंसर करना ही है, तो जल्दी से मुझे सब कुछ बता दो। ये आदमी कहता है कि मुझे तुम जो पूछ रहे हो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जॉन उसे धमकाता है और कहता है, कुछ दिनों पहले तुम यहाँ आए थे, तुम क्यों यहाँ आए थे? ये आदमी कहता है कि यहाँ तो मर्डर हुआ था, मैं क्यूरियस था इसीलिए मैं देखने के लिए आया था। जॉन बोलता है, मर्डर हुए 6 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें क्यों क्यूरियसिटी आई? ये आदमी बोलता है कि मेरी वाइफ ने मुझे अभी अभी बताया, इसलिए मैं देखने के लिए आया था। जॉन इस पर बिलीव नहीं करता, एक हथौड़ा लेता है और इस आदमी का पेट तोड़ देता है। ये सीन था मर्डर होने के बाद 6 महीने बाद का। अब हमें फिर से मर्डर होने के 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन की वाइफ का मर्डर हुए हुए 5 महीने हो चुके हैं, पर फिर भी जॉन अभी तक अपने घर पर नहीं गया है, वो होटल में ही रह रहा है। आज उसे पुलिस ने बुलवाया होता है। पुलिस का पूरा शक जॉन के फ्रेंड मार्क पर ही था, इसीलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब इस केस को क्लोज कर देते हैं। जॉन की वाइफ के कपड़े वगैरह सब कुछ सामान उन्होंने एज अ एविडेंस ले लिया था, यही लेने के लिए वो जॉन को बुलाते हैं। जॉन डिस्टर्ब है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसकी फ्रेंड ने ये सब किया होगा। पुलिस स्टेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स वगैरह वो देखता है, ये डायरेक्टली वो उठा लेता है। पुलिस भी इसे ले जाने देते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कॉपीज हैं। जब वे मोटेल में फिर से आता है तब हमें दिखता है कि मार्क की वाइफ लिंडा वहां आती है। वो जॉन से बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, पर जॉन उसे मिल ही नहीं रहा था। जॉन पहली बार लिंडा को अंदर आने के लिए मना कर रहा होता है, पर लिंडा फिर भी आ जाती है। लिंडा उसे कहती है कि मार्क ने एक अपील दी है जिसमें वो कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया है, इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है। अब ये जॉन से पूछ रही होती है, क्या तुम कोर्ट में कहोगे कि मार्क ये सब नहीं कर सकता? अगर जॉन ने सचमुच में कह दिया कि उसके फ्रेंड ने ये नहीं किया है तो शायद उसके फ्रेंड को कोई भी सजा नहीं होगी। लिंडा जॉन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड ये सब कर सकता है? जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। जॉन को पता है कि उसके फ्रेंड ने ये नहीं किया होगा, पर रियल कल्प्रिट कौन है इसे ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कन्फ्यूज है, उसे पता नहीं है कि ये कौन कर सकता है। लिंडा कहती है कि प्लीज आकर टेस्टिमोनी दे दो। पुलिस को मार्क का हेयर जॉन की वाइफ के पास मिला था, इसी वजह से पुलिस ने मार्क को फ्रेम कर दिया है। लिंडा रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज हमें हेल्प करो। जॉन ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और लिंडा को घर से बाहर निकाल देता है। जॉन 5 महीने तक अपने घर नहीं गया था। जॉन अपने घर को फिर से देख नहीं सकता था, इसी वजह से 5 महीने तक वो घर ही नहीं गया। उसके लैंडलॉर्ड का भी उसे कॉल आने लग जाता है और कुछ इश्यूज होने लग जाते हैं, इसी वजह से वो अपने घर में फिर से मूव इन कर लेता है। वो घर पहुंचता है, जिस तरह से चीजें थी उस तरह से रख देता है, कुछ साफ सफाई वो करने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंडा अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए स्टॉप पर आती है। इसी स्टॉप पर उसकी बेटी की क्लासमेट्स की मदर्स जो होती है, इसे पता होता है कि लिंडा के हस्बैंड ने यह सब किया था, इसे हेट करने लग गई है। इन दोनों में यहाँ झगड़ा हो जाता है। लिंडा बहुत रोती है और अपनी बेटी को लेकर जाती है। जॉन आसपास ही था और यह सब वो देख रहा था। रात में जॉन घर पर होता है और उसे लगता है कि कोई आदमी बाहर है। एक आदमी घर के अंदर झांक रहा होता है। जॉन उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
यह आदमी कहता है कि मुझे लग रहा था कि घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो देखने के लिए आया था। जॉन फिर इस आदमी को छोड़ देता है। अंदर आकर जहाँ पर उसकी वाइफ कपड़े रखती थी, वो उस स्टैंड को नोटिस करता है। पुलिस ने क्राइम सीन्स के फोटोज लिए थे, इस फोटो से वो उसे कंपेयर करता है। इस चीज को आप याद रखना, मूवी जैसे प्रोग्रेस होगी तब ये आपको काम आएगा। ये जो सब हम देख रहे थे कि जॉन को पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया था, वो अपने घर में फिर से मूव इन हो गया है, ये मर्डर होने के बाद 5 महीने के बाद का सीन्स थे। इसके बाद हम फिर से मर्डर होने के बाद 6 महीने के बाद का सीन्स देखते हैं, जिसमें जॉन ने एक आदमी को किडनैप कर लिया है। उसे लगता है कि यही कल्प्रिट है। जॉन ने अभी अभी इस आदमी का पैर तोड़ा है, तो आदमी कहता है कि क्यों ये कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि सचमुच में मैंने ये मर्डर किया है तो पुलिस को तुम ये सब बता दो, तुम क्यों मुझे फ्रेम करना चाहते हो। हमें फिर से पास में ले जाया जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि जॉन और लिंडा, इन दोनों को पुलिस ने बुलवाया है। इससे पहले मार्क को इन्होंने अरेस्ट कर लिया होता है। लिंडा पुलिस से पूछ रही होती है कि क्यों आपने मार्क को अरेस्ट किया है, उसे लग नहीं रहा होता कि मार्क ने मर्डर किया है। पुलिस कहते हैं कि मर्डर सीन पर मार्क का हेयर हमें मिला है। जॉन कहता है कि मार्क हमारे घर पर आता जाता रहता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। पर पुलिस कहते हैं तुम्हारे वाइफ के माउथ में हमें उसके हेयर्स मिले थे, इसका मतलब है जब मर्डर हुआ था तो मार्क वही था। मर्डर 9 बजे हुआ था, मार्क कह रहा है कि वो घर था, पर हमें पता करने का कोई भी जरिया नहीं है कि वो घर पर ही था। मार्क कह रहा है कि उस वक्त वो अपने घर पर था, पर पुलिस को पता करने का कोई भी जरिया नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी। उन्होंने अगर सीसीटीवी कैमरेज भी चेक किए फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लिंडा उस दिन अपने सिस्टर के यहाँ गई थी, इसी वजह से मार्क घर पर था या नहीं ये भी वो कन्फर्म नहीं कर सकती। इसके बाद पुलिस जॉन को घर भेज देते हैं और उन्हें लिंडा से और भी कुछ बात करनी होती है। अब और भी कुछ एविडेंस पुलिस के पास है, ये सब लिंडा को समझाते हैं। पुलिस लिंडा को कहते हैं कि हमें लगता है मार्क और जॉन की वाइफ का दोनों का अफेयर चल रहा था। मार्क जॉन की वाइफ को कॉलेज से जानता था और इन दोनों का घर आसपास ही था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये दोनों जरा आसपास रहने चाहिए। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स थी। मार्क ने उसके बिजनेस के लिए जॉन और उसकी वाइफ से पैसे भी लिए थे। पुलिस के पास मार्क और जॉन की वाइफ ये दोनों बहुत बातें करते थे, इसके भी रिकॉर्ड्स है। मर्डर सीन से जॉन की वाइफ का फोन गायब था, इसका मतलब है मार्क इसे कवर अप करना चाहता था। मार्क ने जॉन की वाइफ को एक मैसेज भी लिखा था, इस मैसेज में था कि प्लीज मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं बताना। इन सब से पुलिस ने कंफर्म किया था कि मार्क ने ही जॉन की वाइफ को मारा होगा। लिंडा को अब यह सब पता चल चुका है तो डायरेक्टली मार्क के पास आती है। मार्क को सब पूछती है कि तुम वहां क्यों गए थे। मार्क कहता है कि हम दोनों का बहुत ही झगड़ा हो गया था, ये जो झगड़ा हुआ था यह भी जॉन की वाइफ की वजह से हुआ था, क्योंकि मार्क हमेशा उसके पास जाता रहता था। लिंडा भी शक करने लग गई थी कि मार्क का और जॉन की वाइफ का इन दोनों का अफेयर है। इसी चीज को लेकर मार्क और लिंडा का झगड़ा हो गया था। मार्क फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और डायरेक्टली जॉन की वाइफ के पास आ गया था, उसकी अच्छी फ्रेंड थी तो उससे वो बात करना चाहता था। अब मार्क लिंडा से कहता है कि जब मैं जॉन की वाइफ के पास था तब मुझे और एक आदमी दिखा था जो डोर पर आया था। इस आदमी के बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया है, अगर उसने पुलिस को यह सब कह दिया तो यह कन्फर्म हो जाएगा कि मार्क जॉन की वाइफ के घर पर था, पर अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। जॉन ने एक आदमी को किडनैप किया है। आज मार्क का कोर्ट था जिसमें जॉन टेस्टिमोनी दे सकता था कि मार्क ने कुछ भी नहीं किया है, पर वो कभी आया ही नहीं। लिंडा जॉन के घर पर आ जाती है, वो अंदर आकर देखती है कि जॉन ने किसी को किडनैप कर लिया है। उसे पूछती है कि ये सब क्या है, तो जॉन उसे सबको सिचुएशन समझाता है। लिंडा जॉन को कहती है कि इस आदमी को तुम जाने दो, इसने कैसे मर्डर किया हो सकता है। जॉन को 100% लगता है कि यही किलर है। लिंडा फिर बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि एक किलर हो सकता है तो तुम अब कोर्ट चलो, मार्क ने ये सब नहीं किया है ये कोर्ट में बोल दो। जॉन अभी भी कन्फ्यूज्ड है, वो लिंडा से कहता है कि इसने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है कि उसने ही मेरी वाइफ को मारा था। जब तक जॉन को मालूम नहीं हो जाता कि किसने उसकी वाइफ का मर्डर किया था तब तक वो कुछ भी करना नहीं चाहता। इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है। जॉन अपनी वाइफ के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। क्राइम सीन की फोटो उसके पास है, तो जिस तरीके से घर था उसी तरीके से सब कुछ वो रिक्रिएट करता है। जिस तरीके से घर में खून वगैरह पड़ा था वो सब वो वैसे ही लगा देता है। लिंडा फिर से जॉन को समझाने के लिए घर पर आती है कि वो गवाही दे कि मार्क ने ये सब नहीं किया है, तो सब घर देखकर वो शॉक हो जाती है। जॉन फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहा। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी वाइफ का मर्डर हुआ क्यों था, इसके पीछे रीजन क्या था, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लिंडा कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि मेरे हस्बैंड ने किया होगा। जॉन कहता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता। जॉन फिर उसे कपड़ों का स्टैंड दिखाता है। जॉन कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तो यहाँ पर मेरी वाइफ की अंडरवेयर थी।
डोर पर कोई आया होगा इसलिए उसने उसे कवर कर दिया था। अगर उस दिन मार्क आया होता तो वो डायरेक्टली उस अंडरवेयर को बेडरूम में जाकर रख आती, पर उसे पता था कि मार्क नहीं है, कोई और था, इसलिए उसने सिर्फ इसे कवर कर दिया। जॉन को मालूम है क्योंकि उसकी वाइफ की हमेशा की आदत थी। जॉन की वाइफ का फेस एक टॉवेल से कवर कर दिया गया था और ये टॉवेल मार्क ने ही उन्हें गिफ्ट किया था। जॉन कहता है कि मार्क ये नहीं कर सकता। लिंडा फिर से होपफुल बनती है, वो कहती है कि ये सब चीज़ें तुम पुलिस को बता सकते हो, पर जॉन कहता है कि मैंने ऑलरेडी बता दी है, पर वो इसे मान नहीं रहे। जॉन फिर लिंडा को कहता है कि मुझे तुम हेल्प करो, हम असली ये किसने किया था इसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जॉन रूम से बाहर निकल जाता है और जिस आदमी को जॉन ने किडनैप किया था उसके साथ लिंडा है। ये आदमी लिंडा से कुछ बात करना चाहता है। लिंडा इस आदमी के मुंह से पट्टी निकालती है। ये आदमी कहता है कि जॉन है रियल किलर है, मैं उस रात इस घर पर आया था, मैंने जॉन को वहां देखा था। कुछ दिनों पहले लिंडा को भी ये शक गया था, ये क्यों गया था अब हम देखेंगे। लिंडा जॉन को हेल्प करने लग गई थी रियल कातिल कौन है इसे ढूंढने के लिए। एक दिन जब वो घर पर आए तो जॉन की वाइफ का सेलफोन वहां था। ये वही सेलफोन है जो पुलिस ढूंढ नहीं पा रहे। जब जॉन को उसने कन्फ्रंट किया तो जॉन बोला कि मेरी वाइफ की और मेरी बहुत सारी पर्सनल फोटोज इसमें थी, मैं डायरेक्टली पुलिस को नहीं दे सकता था। मरने से पहले जॉन की वाइफ ने एक टेक्स्ट लिखा था, इसमें उसने एक इनिशियल लिखा था जिसका नाम था एल। अब इसे पता नहीं है कि वो क्या टाइप करना चाहती थी, मर्डर किस तरह से हुआ होगा, इसे फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करी। जॉन कहता है कि मेरी वाइफ किचन में थी जब ये मर्डर हुआ था। मर्डर ने उसका गला दबाने की कोशिश की और ये डायरेक्टली लिंडा का गला भी दबाने लग जाता है। लिंडा बहुत ही डर जाती है और डोर की तरफ भागती है। जॉन कहता है कि मैं यही प्रूव करना चाहता था कि अगर तुम्हें कोई मार रहा है तुम डायरेक्टली डोर के पास भागोगे। जॉन की वाइफ बेडरूम के पास भागी थी, उसे बहुत ही सस्पिशियस लगता है। पर अब यह सब जॉन ने जो किया है ये देखकर लिंडा बहुत ही डर जाती है। लिंडा को शक होने लग गया था कि जॉन ने ये मर्डर किया होगा। लिंडा फिर अपने हस्बैंड मार्क से मिलने के लिए आई थी। वो मार्क से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि जॉन ने किया हो सकता है? मार्क बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर जॉन ने चाहा तो टेस्टिमोनी देकर मार्क को जेल से बाहर निकाल सकता है, यही इम्पोर्टेंट है। वो लिंडा को समझाता है कि अगर तुम जॉन पर ही शक करने लग गए तो जॉन गवाही नहीं देगा। वो उसे कुछ भी ना करने के लिए कहता है। अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। जो आदमी किडनैप हुआ है इससे लिंडा बात कर रही है। आदमी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी तुम छोड़ दो, पुलिस को कॉल करो और मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारा हस्बैंड भी फ्री हो जाएगा। लिंडा भी इस बात के लिए मान जाती है, उसे अनटाई करती है, तभी जॉन ये सब देख लेता है। जॉन जल्दी से भागता है पर लिंडा डोर बंद कर लेती है, जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देती है। जॉन एक हथौड़ा लेता है और दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। ये दरवाजा तोड़कर इस आदमी को मारने वाला होता है, तभी आदमी कहता है कि मैं यही था जिस रात मर्डर हुआ था, मैंने उस रात क्राइम सीन पर मार्क को देखा था। लिंडा कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, यही असली किलर है। ये आदमी कहता है कि अगर मैं किलर हूँ तो ये मुझे क्यों बचाना चाहती थी। ये आदमी सच बता देता है, कहता है कि जब मैंने कहा कि तुम असली किलर हो तब ये मुझे छोड़ने के लिए रेडी हो गई। लिंडा सिर्फ यही चाहती है कि उसका हस्बैंड फ्री हो जाए, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। जॉन पूछता है कि अगर सचमुच में यह सब सही है तो तुम मर्डर सीन पर चाकू लेकर क्या कर रहे थे? अब इस आदमी के पास चाकू था यह जॉन को कैसे पता है? यह हमें फ्लैशबैक में पता चलता है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जॉन ने अब डिसाइड किया है, मार्क ने उसकी वाइफ को नहीं मारा है, वो कोर्ट में कहेगा। ये सब वाइफ के मदर एंड फादर को जब पता चला वो जॉन के घर पर आए, उसे बहुत उन्होंने गालियां दी। वो यही मानते थे कि मार्क मर्डरर है और उसे सजा होनी चाहिए। जॉन का अभी भी फिक्स था कि मार्क के लिए वो गवाही देगा। पर जॉन जब रात में एक सुपर शॉप में गया तो इस शॉप का ओनर जॉन को जानता था। ये जॉन को बोला कि मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। जिस रात मर्डर हुआ था एक आदमी वहां आया था और उसने एक नाइफ बाय की थी। इस आदमी की गाड़ी की नंबर प्लेट भी जॉन को मिल जाती है। ये सब इन्फॉर्मेशन उसने पुलिस को दी पर पुलिस ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मार्क के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत है। जॉन ने फिर एक पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे पैसे दिए। इस पैसों के बदले में वो नंबर प्लेट किसकी थी यह इन्फॉर्मेशन जॉन ने निकलवाई। इसके बाद वो उस आदमी के पास गया और किडनैप कर लेकर आ गया। फिर से प्रेजेंट हम देखते हैं तो उस आदमी से मार्क अब पूछ रहा है कि उस रात वो वहाँ क्या कर रहा था, उसके पास वो नाइफ क्यों थी। यह आदमी फिर सब कुछ कहने लग जाता है। ये आदमी कहता है कि मेरी वाइफ का और मार्क का चक्कर चल रहा था, मैं मार्क का ही पीछा कर रहा था, इसीलिए मार्क को मारने के लिए मैंने नाइफ बाय की थी। मुझे उस दिन लगा था कि मार्क मेरी वाइफ के पास आएगा। मार्क जब उसके घर से बाहर निकला तब से मैं उसका पीछा कर रहा था, पर वो डायरेक्टली तुम्हारी वाइफ के पास आया। मैं ऊपर गया और मैंने दरवाजा खटखटाया था, तभी मुझे वहां मार्क दिखा।
मुझे लगा कि मार्क का और मेरी वाइफ का चक्कर नहीं चल रहा है, और उसके बाद मैं वहां से निकल गया। जॉन को अब 100% लगता है कि उसने फ्रेंड ने ही किया है। लिंडा फिर से उसे समझाने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड ये नहीं कर सकता। तभी हमें दिखता है कि वहाँ पुलिस आ जाते हैं, क्योंकि लिंडा ने अभी अभी कॉल किया था। जॉन अब किसी की भी मानने नहीं वाला और वो डोर ओपन करने के लिए जा रहा होता है। उसे अब सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो वो फिर से सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि उस रात अगर मार्क आया था तो अंडरवेयर हॉल में ही क्यों थी। फोन पर उसकी वाइफ जब मैसेज टाइप कर रही थी तो वहाँ एल लिखा हुआ था। इसके बाद जिस आदमी को उसने किडनैप किया था उसने जब बोला कि ये सब जॉन ने किया है तो लिंडा क्यों उसे फ्रेम करना चाहती थी, तो वो फिगर आउट कर लेता है कि लिंडा ने ही ये सब किया होगा। लिंडा को शायद लगा था कि मार्क का और जॉन की वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो वहाँ आई होगी। अब जॉन डोर ओपन करने ही वाला है तभी हमें दिखता है कि जिस आदमी को उसने किडनैप किया था उसे लिंडा मार देती है। चुन में मार्क और जो आदमी किडनैप हुआ था उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था। ये चीज जॉन की वाइफ को पता चल गई थी, इसीलिए मार्क ने उसे कहा था कि प्लीज मेरी वाइफ को कुछ भी मत बताना। उस रात लिंडा से मार्क का झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो जॉन की वाइफ के पास गया क्योंकि उसकी अच्छी फ्रेंड थी। लिंडा भी मार्क का पीछा कर रही थी। वो भी मार्क का पीछा करते करते जॉन की वाइफ के घर पर आ गई। जब मार्क वहां से निकला तो वो घर में आई। उसने जॉन की वाइफ को कहा कि तुमने ये सब क्यों किया है, और उसके बाद उसे मारने लग गए। उसका गला दबाने की उसने कोशिश की, पर उसने रियलाइज किया जो वो कर रही है गलत कर रही है। पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। जॉन की वाइफ डर गई थी। लिंडा पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते थे, इसीलिए लिंडा ने चाकू लिया और जॉन की वाइफ को उसने मार डाला। लिंडा ने जो आदमी किडनैप हुआ था इसको भी अब मार डाला है। लिंडा जॉन को कहती है कि हम पुलिस को कह सकते हैं कि इसी आदमी ने मर्डर किया था। लिंडा गिड़गिड़ाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी है, मेरा हस्बैंड है, हम फिर से फैमिली बन सकते हैं, प्लीज हमें हेल्प करो। जॉन को पता है कि लिंडा ही मर्डरर है तो ये मानने नहीं वाला। जॉन आगे जा रहा होता है तो हथौड़े से अपने आप को ही मार डालती है। जिस हथौड़े से मर्डर हुआ था और लिंडा ने भी अपने आप को मारा था, पर उस टाइम उसने अपने फिंगरप्रिंट्स उस हथौड़े पर नहीं आने दिए थे। हथौड़े पर जॉन के फिंगरप्रिंट्स है तो पुलिस को लगता है कि जॉन ने ही ये सब मर्डर किए थे। जॉन ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया होगा ये पुलिस को लगता है, और इसलिए अब वो मार्क को छोड़ देते हैं। मार्क फिर अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। लिंडा की एक सिस्टर थी जहाँ पर उसने अपनी बेटी को रखा था। लिंडा की सिस्टर लिंडा की सब कुछ चीजें मार्क को दे देती है। आगे चलकर जब ये सब चीजें वो देखता है तो लिंडा ने जिस मर्डर से जॉन की वाइफ को मारा था ये मर्डर वेपन उसे मिल जाता है। लिंडा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, वो हॉस्पिटल में थी और अब वो फिर से होश में आ चुकी है। जॉन पुलिस को कुछ भी नहीं कहता और ये सजा खुद काटता है। जॉन की फैमिली तो बर्बाद हो ही चुकी है, अपने फ्रेंड को एक चांस मिल सकता है अच्छी लाइफ जीने का, इसीलिए सब कुछ इल्जाम वो अपने आप पर ले लेता है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज इसी तरह की लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।